जम्मू में पूर्व कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आजाद नो रोड शो, कांग्रेस माथी राजीनामु आप्या बाद गुलाम नबी आजाद नो आ पहलू शक्ति प्रदर्शन। गुलाम नबी आजाद ना रोड शो में लोको पण उमट्या। अपने अपने स्टेटों में आएगी, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में आएगी बोलने की और लीडरों की और मंत्री। हमारे कश्मीर के हमारे एक आध सिर्फ सदर साहब बोले, मैं उनसे कहा भाई कश्मीर में अभी मैं 12 तारीख को वहां तुम लोग बोलना। जम्मू के साथियों को मैंने कहा एक आध आदमी यहां बोलो, बाकी आपके डिस्ट्रिक्टों में बोलना। तो मेरे कहने का मतलब है सुरणी साहब और बलवान सिंह जी ने और बाद में सबका एक्सडीपी में डिप्टी सीएम ने फरमाया मेरा वक्त एक गेस्ट अपीयरेंस की तरह, 2.5 साल कोई लंबा टाइम नहीं होता है हिंदुस्तान की तारीख में, 2.5 साल 1 सेकंड के बराबर होते हैं। और जम्मू कश्मीर की तारीख में जब से चीफ मिनिस्टर बने हैं तो उसकी तारीख अगर गिने तो 2.5 साल 5 10 मिनट होता है। तो उस 10 मिनट के अरसे में मैंने फास्ट ट्रैक सिस्टम किया और कुछ ऐसी चीजें हैं जो दुनिया में मैंने पहली दफा की। दुनिया के किसी भी मुल्क में चाहे वो मरकजी सरकार हो या अमेरिका जैसे में चीफ मिनिस्टर नहीं होता है स्टेटों का गवर्नर होता है, या लंदन में, ब्रिटेन में, दूसरी स्टेटों में, या हिंदुस्तान के स्टेटों में, वो कहीं नहीं है। और जम्मू कश्मीर के लिए भी मैंने वही प्लान बनाया था, मैंने ही बनाया था और मेरे साथ ही खत्म हुआ। कहीं भी तामीर करने का सिलसिला डबल शिफ्ट और ट्रिपल शिफ्ट, ट्रिपल शिफ्ट का मतलब 24 घंटे तामीर करना। मुझे फखर है कि ट्यूलिप गार्डन, एशिया का पहला ट्यूलिप गार्डन, शायद 15 साल पहले, आज तो शायद और कहीं बना होगा, 15 साल पहले एशिया का पहला ट्यूलिप गार्डन आपके इस साथी ने बनाया सिर्फ 1.5 साल। जिस साल में, जिस दिन मैंने जगह देखी, काम नहीं शुरू किया, और जिस दिन इनॉग्रेशन करवाया सोनिया गांधी से, इंदिरा गांधी के नाम से मैंने ट्यूलिप गार्डन नाम रखा, सिर्फ 1.5 साल में तामीर, 3 शिफ्टों में 24/7। क्या हिंदुस्तान